हेलो बच्चों गुड आफ्टरनून बच्चों स्वागत है बच्चों आपका उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर बच्चों आज हम लेके आए हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि पता होगा आपको हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन शुरू किया था बच्चों याद करिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था बच्चों और जबरदस्त तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया था बच्चों आज हम लेके आए इसका पार्ट नंबर टू द पार्ट नंबर टू इज सेट टू तो बी न्यू ये भी सेम ही पार्ट है बच्चों एक्चुअली पार्ट इज सेम बट उसके क्वेश्चन जो है और पहले वाले ठीक है ना ये क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और हम इतने सारे नहीं कर पाते इसलिए हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है बच्चों चलिए तो आई थिंक आप लोग रेडी होंगे आप तैयार होंगे बच्चों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारा पहला सवाल देखिए सवाल बहुत बढ़िया है सवाल बहुत ही बढ़िया है और आपने इसको ट्राई किया भी होगा ये क्वेश्चन है बच्चों नीट

वो हाफ क्या है हमारा इंक्लाइन पेन जो है स्मूथ है और नीचे वाला जो है रफ है बच्चो ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट द बॉटम बॉटम पे आके बच्चों वापस रुक गया छोड़ा ऊपर से फिसलते हुए आया फिर वापस नीचे आके रुक गया बोल रखा है साफ साफ फ्रिक्शन देखा द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय ये पूछा फ्रिक्शन कितना होना चाहिए घर्षण कितना होना चाहिए बच्चों ये सवाल पूछ रहा है आपसे ठीक है आप सवाल पढ़ लीजिए हिंदी में वही सवाल है तो अगर इसको बनाया जाए बच्चों हमारे पास और थीटा का मान दे रखा है थीटा ये देखो दे भी रखा है थीटा तो ऊपर वाला आधा भाग ऊपर वाला जो आधा भाग है अगर बनाया इसको बच्चों हमारे पास जो आधा भाग ऊपर का है वो क्या है बच्चों आपका देखिए पे ऊपर वाला आधा भाग इसको हम ले लेते हैं ऊपर की लंबाई ले लेते हैं यहाँ ब्लॉक छोड़ रहे हैं बच्चों ये लंबाई बच्चों आपकी एल मान लेते हैं ठीक है और नीचे वाली लंबाई जो है उसको भी एल मान लेते हैं ठीक है बेहतरीन सवाल है ठीक है ऊपर वाले में फ्रिक्शन नहीं है नीचे वाले में फ्रिक्शन बोल रखा है बच्चों इसको म्यू मान लेते हैं कोई लोड नहीं कोई परेशानी नहीं कोई दिक्कत नहीं चलिए अब आप खुद समझिए नीचे कौन लेके आएगा नीचे कौन लेके आएगा बच्चों सर जी बच्चो थीटा नीचे कौन लेके आएगा बच्चों थीटा तो जब ब्लॉक यहां पहुंचेगा बच्चों उसके पास वेग होगा वो आप जानते हैं ठीक है ब्लॉक यहां पहुंचेगा उसका वेग होगा बच्चों आप जानते हैं वो हमारा हो जाएगा बच्चों है ना तो ब्लॉक यहां पहुंचेगा उसका वेग होगा बच्चों v हो जाएगा और ये बोला है सवाल में साफ साफ जब यहां पहुंचेगा उसका वेग हो चुका है शून्य मतलब प्रारंभिक अवस्था में इनिशियल कंडीशन में इसका u जीरो है और फाइनली इसका v जीरो है अब करने के तरीके तो बच्चों बहुत हैं करने के तरीके तो हमारे पास बहुत हैं मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं बच्चों बिल्कुल सिंपल तरीका आसान तरीका वो सिंपल तरीका इतना आसान है कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको मतलब एक्चुअली एक इक्वेशन एक बनानी है अगर आपने प्रमे पढ़ाओ अगर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है बच्चों आपने उससे फटाफट हो जाएगा ठीक है अब एक इक्वेशन पढ़ी होगी बच्चों इसको बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ये एनर्जी थ्योरम बच्चों पता होगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से देखो एक सेकंड लगेगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अगर बताएं आपको है ना वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें बच्चों ठीक है ना एनर्जी थ्योरम देखिए इससे अगर पढ़ा हो आपने है ना है ना हाँ इससे अगर पढ़ा हो बच्चों आपने तो इसमें करना क्या होता है बच्चों को बोलते हैं डब्ल्यूटी डब्लू टी से बहुत फास्ट हो जाएगा बच्चों डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन द वर्गन इज सेट टू बी डेल्टा के कार्य में जो हमारा क्या होता है इसको ऐसे बोलते हैं बच्चों जो हमारा डेल्टा के होगा गति ऊर्जा में अंतर जो होगा कार्य के बराबर अब देखिए कौन कौन कार्य कर रहा है दो ही लोग कार्य कर रहे हैं तो ग्राविटी और ग्राविटी के वर्क का जो फॉर्मुला होगा उसका होगा एम जी थीटा जो फॉर्मुला होगा एम जी थीटा मैंने इसको एल मान लिया यहां भी एल हो जाएगा देखिए तो डेल्टा के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों प्रारंभिक गति ऊर्जा सर जीरो क्योंकि आपको बताया पहले विराम में था अंतिम में कितना काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों जीरो तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा का मान कितना है बच्चों जीरो दोनों जीरो है बच्चों तो क्या आएगा बच्चों जीरो ये जीरो हो जाएगा बच्चों कार्य जो कर रहा है बच्चों दो लोग कार्य कर रहे हैं ग्रेविटी और हमारा फ्रिक्शन दो ही लोग काम कर रहे हैं एक तो घर्षण बल वो भी इधर नहीं करेगा यहां फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है जीरो है तो यहां फ्रिक्शन वर्क नहीं करेगा फ्रिक्शन वर्क इसके आगे करेगा अब देखो क्या है दो सेकंड लगते हैं करने में चलिए ग्रेविटी का बच्चों का एम जी साइन थीटा इंटू ट्व

L से एल कैंसिल हो गया बच्चों आपका एम जी एम जी कैंसिल हो गया बच्चों आपका तो tan थीटा की वैल्यू म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्ची आपकी टू tan थीटा तो म्यू बिकम टू tan थीटा तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी टू tan थीटा बच्चों, तो म्यू बिकम टू tan थीटा ये देखिए आंसर आ गया कितना कितना आसानी से हमने कर दिया। कितना हमने कर कर दिया दिया आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन डेल्टा के बता रहा हूं समझाने के लिए अगर मैं इसको लिखता L, है ना? 12, उसका हमारा एल डन ठीक है ध्यान रख रहे हैं ठीक है ना बिल्कुल चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट बच्चों काफी बेहतर सवाल था आगे बच्चों बट है था काफी इजी अगला सवाल नीट रा का सवाल है बच्चों अगला सवाल देखिए पढ़िए इसको सवाल पढ़िए पढ़ना काफी जरूरी है पढ़ के आराम से रिस्पॉन्ड करिए सोचिए इमेजिन करिए क्या की बात कर रहा है है एक्सप्लोजन हुआ बच्चों यहां बोल रखा ब्रेक द थ्री पार्ट क्लियरली बोला है एक्सप्लोजन ब्रेक रॉक इंटू थ्री पार्ट इनिजोनटल प्लेन बहुत बढ़िया टू ऑफ देम है ना गो एट द राइट एंगल ईच अदर दो हमारे जा रहे हैं राइट एंगल पे जा रहे हैं इस तरह से अभी ड्रॉ करते हैं इसको है ना द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मास वन के जी

आठ मीटर जा रहा है बच्चों दो के का तीसरे वाले का दे रखा है वेग चार मीटर पर सेकेंड है और ये बोला है कि बच्चों बताइए इस कंडीशन में क्या होगा मास कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं निकालना क्या है द्रव्यमान निकालना है चलिए निकालते हैं दिमाग लगाते हैं ठीक है यहां बच्चों हमारा ये बड़ा सा ब्लॉक ठीक है पहले विराम में रखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है अब टूटे दो पार्ट्स में एक इधर गया एक ऊपर गया बच्चों और तीसरा आप जानते हैं ऐसे जाएगा क्योंकि संवेग संरक्षित है हमारा मोमेंटम कंजर्व है बैट साव ऐसे जाएगा ये भी आप जानते हैं यह मैं भी जानता हूं ठीक है तो कोई भी दो को ले लो बच्चों कोई भी दो को ले लो तो देखो क्या दे रखा है वन की बात करते बारह मीटर पर सेकंड वन मान लेता हूं जा, जा रहा है ठीक है दैट इज वन ये वन के का है जा रहा है आपका बारह मीटर पर सेकेंड ठीक है ये आपका कितना है दो के का है जा रहा है बच्चों आठ मीटर पर सेकेंड ठीक है कोई दिक्कत आपको होगी नहीं कोई परेशानी आपको होगी नहीं चलिए इसका मास एम मान रखा है बच्चों इसके पास दो वेलोसिटी होंगी बच्चों एक तो वी वाई में होगी उसके बाद दो वेलोसिटी होंगी बच्चों वी वाई में होगी बच्चों आपके पास के पास और एक वी एक्स में होगी देखिए एक्स और वीवाई है ना इसकी वेलोसिटी भी गिवन है बच्चों आपको दैट इज गिवन एज अभी बात करेंगे ट्रॉलिख देता हूं चलो फोर बच्चों फोर मीटर पर सेकेंड अब करिए मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स में अलग वाई में अलग ठीक है तो लिखता हूं बच्चों में मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स ठीक है मोमेंटम कंजर्वेशन इन एक्स है ना इन एक्स चलो एक्स में करना है बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन चलिए एक्स में कंजर्व करिए तो देखिए इनिशियली मोमेंटम तो है नहीं इनिशियली सब जीरो है बच्चों है ना इसके पास कितना है ट्वेल्व इंटू वन ठीक है उसके पास कितना है प्लस एम इंटू वी एक्स ये देगा तो वी एक्स की वैल्यू बच्चों बनेगी आपकी ट्वेल्व अपॉन एम नेगेटिव बनेगी बट कोई बात नहीं आई क्या आप लिख देते हैं इसको है ना ये आगे हमारा एक्स में मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई आप सेम टू सेम कर दिए मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई ठीक है तो मोमेंटम कंजर्वेशन है ना इन वाई इन वाई में कर दीजिए बच्चों वाई में करेंगे तो बच्चों वाई में मोमेंटम कंजर्वेशन क्लियरली मेंशन है तो वो करिए वाई में तो इनिशियल मोमेंटम बच्चों कुछ था नहीं ब्लॉक ऐसा कैसा है अब ब्रेक हुआ है तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा उसको ऊपर ले ले लिया बच्चो, तो 2 into 8, positive ले लिया बच्चों तो तो पॉजिटिव बनेगा एम इन e आएगा आपका वीवाई ठीक है इस तरह से तो Vy की वैल्यू बच्चों आएगी हमारी माइनस का नीचे आएगा तो जाएगा अपॉन एम अच्छा एक क्लियर बात यहां लिखी हुई है कि नेट फोर है हमारा तो हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर बच्चों वी एक्स का स्क्वायर प्लस वीवाई का स्क्वायर जो होगा इज फोर ये गिवन है क्लियरली

वन फोर्टी फोर सोलह का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 225 सौ पच्चीस दो छप्पन टू है ना, ना? अपॉन ये बनेगा बच्चों आपका 16 ये बनेगी वैल्यू ठीक है अच्छा ये कितना बनेगा आपका इट इज फोर रूट लोगे बच्चों आपका तो ये बनेगा 400 हंड्रेड अपॉन सिक्सटीन देखिए आप ठीक है तो रूट लेंगे बच्चों एम की वैल्यू आएगी ट्वेंटी अपॉन फोर ट्वेंटी अपॉन फोर मतलब क्या आएगा फाइव के जी

आई थिंक यही पूछने की कोशिश की है मास पर डिपेंडेंसी नहीं होती इस चीज की इसलिए हमारा थर्टी मीटर पर सेकेंड फॉर्मुला बेस क्वेश्चन है ठीक है तो सेफ स्पीड जो होगी तीस मीटर पर सेकेंड अगर इससे ज्यादा बढ़ाएगा तो स्लिपिंग होगी फ्रिक्शन आएगा फिर आगे चीजें अलग होती हैं तो आई थिंक इसने यही पूछने की कोशिश की है आई थिंक ये क्लियर है ठीक है अगला क्वेश्चन बच्चों सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी दो हजार ग्यारह क्वेश्चन बच्चों आराम से ट्रैक करना है आराम से क्रैक करना है आराम से पढ़ना है और काफी इजी क्वेश्चन है ठीक है थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अ पर्सन ऑफ मास 60 साठ किलो का आदमी है ठीक है इन साइड ऑफ 940 फोर्टी के जी लिफ्ट भी है, केजी है? दे रखिए नौ सौ चालीस के जी का ठीक है प्रेसिस बटन ऑन द कंट्रोल पैनल होता है ना अपना देखा होगा आपने जब उसमें बैठते हैं लिफ्ट के अंदर तो कंट्रोल पैनल होता है बच्चों जहां पे आप वन टू थ्री हो लिखा होता है तो ये अपने पास ऐसा कंट्रोल पैनल है लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड द एक्सेलरेशन ऑफ टेन वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेंशन सपोर्टिंग केबल बढ़िया सवाल आसान सवाल इजी क्वेश्चन अगर आप ट्राई करेंगे तो पहुंच जाएंगे बच्चों देखिए मैं करता हूं ट्राई ये देखिए हमारे पास लिफ्ट दे रखिए बच्चों लिफ्ट गिवन है बच्चों आपके पास देखिए लिफ्ट लिफ्ट में एक व्यक्ति आराम कर रहा है बैठा हुआ है खड़ा हुआ है जो भी है साठ के जी का बच्चो हमारा ये है व्यक्ति है है ना सिक्सटी के और ये कितना नाइन फोर्टी का हमारा ये के का लिफ्ट है और ये स्ट्रिंग अटैच है और हमारे पर्सन ने क्या किया स्विच को ऑन किया तो लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ क्लियरली मेंशन कर रखा है ऊपर जा रही है

है ना तो मूविंग अपवर्ड है तो अगर हम बात करें हमारा फॉर्मूला होता है टेंशन का टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए क्या होगा एम जी प्लस एम ए तो टी की वैल्यू आएगी बच्चों सबको जोड़ना पड़ेगा आप मास को टोटल मास कितना होगा यहां पे टोटल मास होगा बच्चों 60 प्लस नाइन फोर्टी तो कितना हो जाएगा 1000 ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम ये आपका टोटल मास है ये देखिए ठीक है ना टोटल मास बच्चों आपका यही है वन अब खुद देखिए आप वन है बच्चों

अगला सवाल देखिए बच्चों हमारे पास दे रखा है सीबीएससी पीएमटी का PMT, 2010 का सवाल है सीबीएससी पीएमटी 2010 का क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है देखिए आप डायग्राम दे रखा है और हमारा यहां पे इस तरह से मूव कर रही है बेहतरीन तरीके से चलिए अगर हम देखें बच्चों इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं आराम से ठीक है पढ़िए क्वेश्चन को पहले आराम से फिर देखिए अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज विध दी शोन इन द फिगर कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू ठीक है दे रखा है बच्चों आपको द एक्सेलरेशन अल्फा अल्फा दिया है कोई बात नहीं अल्फा जो है अल्फा है है ना विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द फॉलोइंग सेटिस्फाई इसको बच्चों रोकना है बच्चों इसको हमें रोकना है ठीक है इसको इमेजिन करिए वहीं पे इमेजिन करिए आप कोई लो लोड नहीं होगा आपको ये देखिए हमारा कार्ट ये हमारा कार्ट है ठीक है इस कार्ट की अगर बात करें बच्चों यहां पे हमारा एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक ऐसा है ठीक है इस ब्लॉक की बात करें इस पर दे रखा है अल्फा ये बच्चों हमारा एम है बहुत बढ़िया अब आप खुद देखिए बच्चों अगर आप समझें इस बात को तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है देखिए जैसे अल्फा होगा सूडो फोर्स जनरेट होगा कहा सर पीछे की तरफ सूडो फोर्स आएगा पीछे की तरफ या आएगा अल्फा ठीक है इसे बोलते हैं बच्चों एफ पी एफ पी बोलते हैं इसको अल्फा यहां आएगा नॉर्मल रिएक्शन उससे नीचे आएगा एम जी और ऊपर आप देखेंगे तो क्या आएगा फ्रिक्शन सीधी बात है स्टार्टिक फ्रिक्शन है स्टार्टिक फ्रिक्शन है नहीं चलने देगा उसको वो डिपेंड करेगा चलने देगा नहीं चलने देगा वो ठीक है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बच्चों म्यू एन ये आप जानते हैं अब देखिए पूरा कहानी दिख रही होगी आपको नॉर्मल रिएक्शन आया क्योंकि हमारा सूडो फोर्स आया नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन आया फ्रिक्शन आ गया बच्चों अब ये पूछ रहा है बताइए कंडीशन क्या होगी ताकि वो उस पर रुका रहे इस प्रकार से तो पहले काम करते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं सॉरी तो पहले एन पहले की निकालते हैं तो एन बिकम क्या हो जाएगा बच्चों आपका एन का वैल्यू बहुत सिंपल है फॉर्मूला तो आप जानते हैं मास इंटू है ना मास इंटू ऑफ फ्रेम ये हो जाएगा सूडो फोर्स पीछे लगेगा डायरेक्शन अपोजिट लगती है दिशा उल्टी होती है हमेशा एन का मान आ गया एन का मान क्या गया बच्चों आपका आ गया अब एन का मान बच्चों अल्फा आ गया अब आप खुद देखिए तो फ्रिक्शन का मान क्या आ जाएगा बच्चों का मान बच्चों और म्यू का मान क्या जाएगा और एन कितना <coughs> तो हमारा क्या है बच्चों म्यू एम अल्फा आ गया फ्रिक्शन का मान म्यू एम अल्फा अब आप ये बात समझिए कि नीचे लगेगा एम जी और ऊपर लगेगा फ्रिक्शन ठीक है

दिख रहा होगा बच्चों एमसीएम कैंसिल होते हो तो अल्फा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन है ना जी अपॉन यू अल्फा की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन यू अगर ऐसा हुआ तो तो बच जाएगा तो तो उसको स्लिप नहीं करने देगा तो, तो रोक लेगा उसको मतलब तो तेज धक्का मारना पड़ेगा आपको अल्फा को धीरे हुआ स्लिप हो जाएगा दैट्स हाउ ये आपका आंसर है है इजी क्वेश्चन काफी देख लीजिए आप आराम से सोचिए समझिए और आराम से आंसर दीजिए कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है इजी क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा अगला सवाल सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी 2010 का सवाल है बढ़िया सवाल बेहतरीन सवाल देखिए लगाइए दिमाग लगाए दिमाग बच्चों हमारे वो बच्चों क्या देखा है एक 20 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति गुरुत्व गुरुत्मुक्त क्षेत्र में फर्श से 10 मीटर ऊपर खड़ा है ठीक है एक आदमी खड़ा हुआ है फर्श से ऊपर है ठीक है मुक्त ग्रुप मुक्त गुरुत्व मुक्त मतलब ग्रेविटी नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा नहीं है ग्रेविटी नहीं है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर पत्थर है हमारे पास फेंक दिया उसने दो से फेंक दिया बच्चों दो मीटर पर फेंक दिया नीचे फेंका जब पत्थर फर्श पर पहुंचता है तो व्यक्ति की फर्श से ऊंचाई बढ़िया पहले इमेजिन करो व्यक्ति को ये लो कमरा ये कमरा बच्चों आपका कमरा आप जानते हैं क्या होता है व्यक्ति हवा में उड़ रहा है ये लो व्यक्ति हवा में उड़ रहा है ऐसे मान लो ठीक है व्यक्ति का द्रव्यमान रेखा है पचास के ठीक है चलो क्या दे रखे आपको और पचास के के बाद हाँ और जीरो पॉइंट पांच द्रव्यमान का पत्थर जीरो पॉइंट पांच द्रव्यमान का पत्थर उसने फेंका ठीक है जीरो so पॉइंट पांच द्रव्यमान का पत्थर उसने जीरो पॉइंट पांच किलोग्राम का पत्थर उसने नीचे फेंका दो मीटर पर सेकेंड जब वो फेंकेगा बच्चों उसको वेग ऊपर मिलेगा ये बात सोचिए जब फेंकेगा बच्चों उसको वेग ऊपर मिलेगा क्योंकि हम जानते हैं संवेग संरक्षित है इसीलिए ऊपर मिलेगा उसको बहुत बढ़िया तो आप खुद देखिए बच्चों तो फर्श तक पहुंचता है तो व्यक्ति की फर्श के ऊपर जो चाई बतानी है बहुत बढ़िया दो क्या बोला है आपको हाँ जब वो नीचे पहुंचता है तो बहुत बेहतरीन सवाल है देखिए अब ये दूरी दे रखिए दस मीटर बच्चों दूरी दे रखिए आपकी दस मीटर चलिए ये बताइए मुझे कितने समय पहुंचेगा ये बताइए फर्स्ट तक पहुंचने का समय कितना होगा है ना तो हमारा टाइम जो लगेगा बच्चों ग्राउंड तक आने का समय जो लगेगा वो कितना लगेगा दूरी बटा चाल क्योंकि नियत चाल से फेंका है ये मानेंगे हम तो समय का मान कितना आ जाएगा बच्चों आपका वो जाएगा दूरी कितनी है दस और ये चाल दो है तो टी का मान कितना जाएगा पांच सेकेंड तो एक्चुअली पांच सेकेंड जो लगेगा उसको नीचे आने में लगेगा यहां तक मतलब तो पांच सेकेंड लगेंगे उसको नीचे आने में ये देख लो आप अब इतने सेकंड में हमारा व्यक्ति कहां चला जाएगा वो देखते हैं तो आप देखिए संवेग संरक्षण लगाइए तो हम लगाते हैं संवेग संरक्षण क्या लगाते हैं बच्चों संवेग संरक्षण ठीक है चलिए करते हैं लगाइए संवेग संरक्षण लगाएंगे बच्चों तो क्या आएगा संवेग प्रारंभिक संवेग हमारा जीरो है अंतिम में बच्चों को नीचे फेंका है तो नीचे फेंका है तो क्या होगा उसका तो होगा बच्चों जीरो पॉइंट पांच इंटू माइनस टू प्लस एम वी तो पचास इंटू वी तो यहां देखेंगे बच्चों तो एक बराबर क्या आएगा पचास इंटू वी तो वी का मान क्या आएगा बच्चों एक बटा पचास तो मीटर पर सेकेंड मतलब तो वी का मान क्या है बच्चों एक बटा पचास मीटर पर सेकेंड मतलब उसको वेग मिलेगा एक बटा पचास का ऊपर की तरफ बेहतरीन जबरदस्त अच्छा अब व्यक्ति जाएगा ऊपर की तरफ अब व्यक्ति की बात करें तो मैन कितना चलेगा बच्चों है ना इस में तो man का separation चलेगा बराबर हम तो मतलब हमारा एक्स का वैल्यू होगा जीरो पॉइंट वन मीटर मतलब हमारा मैन जो है जीरो पॉइंट वन मीटर आगे जाएगा ऊपर जाएगा है ना अब आप समझिए सवाल किस फॉर्म में पूछा है ये समझिए उसने पूछी जम, जमीन से ऊंचाई तो एक्चुअली हुआ क्या बच्चों आपका जो व्यक्ति है वो यहां पहुंच चुका है यहां पहुंच चुका है बच्चों व्यक्ति आपका इस प्रकार से और ये चल चुका है जीरो पॉइंट वन ठीक है जमीन से पूछा है आपको जमीन से ठीक है तो यह आएगा टेन पॉइंट वन ठीक है तो जमीन से अगर निकाले तो जमीन से बच्चों क्या आएगा जमीन से निकल ही गया जमीन से आएगा बच्चों कितना आपका वो आएगा टेन प्लस जीरो पॉइंट वन दट इज वन है हाँ ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा जमीन से निकाला इसलिए 10.1 ऊपर जाएगा ना उल्टा इसीलिए दैट्स हाउ बहुत बढ़िया सवाल था बेहतरीन सवाल चलिए अगला सवाल सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी 2009 का सवाल है बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है देखिए देखते ही हो जाएगा तो देखते ही सवाल हो जाएगा बहुत आसान सवाल है बेसिक कांसेप्ट पे है चलिए क्या बोला है एक पिंड इस पे बल लग रहा है बच्चों ये रहा ठीक है प्रभाव में इतना तो लग रहा है तो इस पिंड का द्रव्यमान होगा एफ बराबर में ठीक है तो देखो एफ का मान दे रखा है बच्चों आपको कितना दे रखा है सिक्स आई क्या माइनस एट जे क्या प्लस टेन के क्या ठीक है इस प्रकार से मॉड ऑफ एफ कितना होगा बच्चों मॉड ऑफ एफ स्क्वायर करके जोड़ दो जोड़ो स्क्वायर करके छ का स्क्वायर छत्तीस चौसठ और सौ है ना ये देखिए सौ कितना आ जाएगा बच्चों यहां पे सौ यहां भी सौ आ जाएगा इन दोनों का और यहां जोड़ेंगे दो सौ आ जाएगा तो ये आएगा रूट के अन दो सो तो कितना आएगा बच्चों दस रूट दो ये दस रूट दो न्यूटन दो हमारा बल आ गया अब न्यूटन ने एक सिंपल सी बात कही जो बल लग रहा है वही क्या करेगा द्रव्यमान वही हमारा प्रदान करेगा तो अच्छा, तो कितना बच्चों बराबर तो कितना मान कितना बच्चों आपका दस रूट दो ही आ जाएगा इस से. दस रूट दो किलोग्राम ये देखिए आपका आंसर आ चुका है ठीक है बेहतरीन सवाल इजी क्वेश्चन बहुत आसान सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा चलिए ऑल इंडिया पीएमटी 2009 का सवाल है बच्चों ऑल इंडिया पीएमटी 2009 का सवाल है दो हजार के जी इसे इससे लटकाने वाली तनाव दे रखा है अट्ठाईस हजार ठीक है होगा तब त्वरण बताइए अब आप खुद समझिए देखिए खुद समझिए लिफ्ट दे रेखी बच्चों कितनी आपकी दो हजार के जी की दो हजार के जी तो कितना लगाएगी बल तो लगाएगी सर एमजी एम जी का मान कितना हो जाएगा बच्चों बीस हजार हो जाएगा अगर आप देखें न्यूटन ऊपर लग रहा है कितना बच्चों लग रहा है ऊपर समझिए इस बात को 28 लग रहा है. तनाव. आप? 20 है, नीचे बीस हजार है सीधी बात है कहां जाएगा ऊपर ही जाएगा अरे यार तुम खुद समझो जहां बल अधिक होता है वहां हमारी लिफ्ट क्या होती है चलती है जहां बल अधिक होता है सीधी बात है तो बल ऊपर अधिक है ऊपर जाएगी तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा टी माइनस एम जी बराबर जाएगी देखो हटाओ नीचे वाले ऑप्शन नीचे वाला हट गया नीचे वाला हट गया ठीक है ऊपर ऊपर की की बात कर लेते हैं आप. दो हजार इंटू ए ना? करिए इसको यह बनेगा कितना आपका आठ हजार ठीक है यह बनेगा बच्चों आपका आठ हजार बराबर दो हजार इंटू ए ठीक है उड़ाओ बच्चों चार बार में उड़ेगा तो का मान कितना आएगा चार मीटर पर सेकेंड तो देखिए ऊपर जाएगा बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बेहतरीन सवाल है जबरदस्त सवाल है इजीली सॉल्व कर लिया बच्चों हमने अगला सवाल देखिए बच्चों हमारा अगला सवाल बेहतरीन सवाल देखिए क्या बोला है एक वस्तु पर लगने वाले बल लगा रखे बहुत बढ़िया बल लगा रखे बच्चों तीन बल लगा रखे दर्शाए गए यदि तीनों बलों का परिणामी वाय दिशा में होने होना हो तो आवश्यक अतिरिक्त बल न्यूनतम बल क्या होगा देख लो चित्र देख लो आप डायग्राम देखो डायग्राम बच्चों दे रखा है और हमारे दोनों तो में इधर लगेगा बच्चों वन न्यूटन का बल देखिए है ना और इधर लगेगा बच्चों हमारा दो न्यूटन का बल ऐसे देखिए है ना ऐसा कुछ है ठीक है यह है साठ डिग्री यह सात डिग्री और यह है तीस डिग्री बच्चों आपका ये है ऐसे दिया है सात डिग्री तीस डिग्री बच्चों दे रखा है सब कुछ आपको चलो निकालना क्या है निकालना है पूरा बल ले जाना वाय दिशा में तो हमें एक्स में नेट जीरो करना पड़ेगा ये एक्स में नेट जीरो करना पड़ेगा घटक लो बच्चों इसका घटक लो बहुत बेहतरीन सवाल है बहुत इजी क्वेश्चन है चलिए वन कॉ सिक्सटी क्या बनेगा वन कॉ सिक्सटी कितना बन जाएगा बच्चों वन कॉ सिक्सटी ये बनेगा सर जीरो पॉइंट पांच न्यूटन एक्स में इधर बच्चों देखा जाए तो कितना बनेगा ये ये तीस है तो ये साठ हो जाएगा बच्चों ठीक है तो यहां बनेगा आपका देखेंगे तो ये बनेगा टू कॉ सिक्सटी तो टू कॉ सिक्स क्या होगा वन न्यूटन तो आप खुद देखिए इधर वन है बच्चों इधर जीरो पांच है। वन है, जीरो पॉइंट पांच है इसने बोला है वाई दिशा में होना चाहिए पूरा नेट वाई से करना क्या है एक्स में नेट कर दो जीरो तो यहां कहीं लगाना पड़ेगा बच्चों एफ बल तो जीरो करेगा तो हम बोलेंगे सर एक्स में जीरो करना है हमें बोलेंगे x में जीरो करना है तो वन बराबर एफ प्लस जीरो पॉइंट पांच एफ को बताना मान जीरो पॉइंट वन न्यूटन पांच न्यूटन लगा दो काम हो जाएगा जीरो पॉइंट पांच न्यूटन इसका आंसर है क्योंकि हमें एक्स दिशा में बल को जीरो करना है सारा बल वाई ले जाना है इसीलिए चलिए अगला सवाल बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल था अगला क्वेश्चन चलिए एक ब्लॉक बी को क्षेत्र स्थल पर प्रारंभिक वी से क्षण भर के लिए धकेला गया है यदि बी को तल के बीच गुण, गुणांग रखा है म्यू तो ब्लॉक बी कितने समय के उपरांत विराम अवस्था में प्राप्त होगा कब विराम अवस्था में प्राप्त होगा तो आप देखिए खुद ही देखिए यहां ब्लॉक है यहां हमारा वी लगा दिया वेग इस पे है ना और ये लगा दिया बी इस पे ठीक है धक्का मार दिया बच्चों ठीक है और यहां फ्रिक्शन दे रखा है बच्चों म्यू म्यू दे रखा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ जिसको रोकेगा बच्चों बहुत बेहतरीन बहुत ईजी क्या निकालना है बच्चों हमें निकालना है कितने समय के उपरांत विराम में होगा विराम में में रुक गया बच्चों यहां पे अंतिम अवस्था क्या हो जाएगा जीरो प्रारंभिक वेग पता है अंतिम वेग पता है अगर आप देखें बल का मान हम जानते हैं बल का मान लग रहा है न्यू एम जी देखिए इसका मान हो जाएगा बच्चों एम ए के बराबर एम से एम कटेगा त्वरण जो आ गया वो आ गया बच्चों माइनस ऑफ म्यू जी नेगेटिव क्यों आया क्योंकि पता है आपको नेगेटिव क्यों आया आया क्योंकि विरोध कर रहा है रोक रहा है उसको है ना चलो वो आगे रहा है उसको रोक रहा है निगेटिव इसलिए आया अब बताओ आप प्रारंभिक वेग पता है वी है अंतिम वेग पता है जीरो है त्वरण पता है माइनस ऑन म्यू जी है अब क्या चाहिए आपको वी इज इक्व यू प्लस ए टी लगा दो तो लगाओ वी इज इक्व टू यू प्लस ए टी लगा दो बच्चों हो गया काम खत्म वी कितना है बच्चों जीरो है यू कितना है वी है माइनस म्यू जी टी बाकी आपको बताने की जरूरत नहीं आप टी की वैल्यू आ जाएगी वी अप ऑन म्यू जी तो अपॉन ये आपका आंसर आ जाएगा तरीके और भी करने के सबसे आसान तरीका ये लिख के कर रहा हूं मैं तो आपको वैसे तो पता होगा ये म्यूजी होता है याद रखते हैं बच्चे क्योंकि जी एम से कटेगा बराबर डन काम खत्म इतना क्वेश्चन है CBSC, PMT का है ना इससे क्या आएगा चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों अगला सवाल सीबीएससी ऑल इंडिया पीएम दो हजार छह का सवाल है बच्चों आराम से समझना आराम से करना देखिए सवाल पढ़िए पहले बच्चों हमारे पास देखा है जीरो पॉइंट पांच किलोग्राम की एक गेंद बारह मीटर परसेंट गति से चलती हुई दृढ़ दीवार से आ रही है बच्चों ये देखिए तीस डिग्री से आ रही है साफ बना के दिया हुआ है है ना तीस डिग्री से ऐसे आ रही है वो भी कहां से आ रही है इधर से बढ़िया फिर बोला है टकराती है इस गति से और जाती है यदि गेंद हो जाती है यदि गेंद 0.25 यदि गेंद 0.25 है ना हाँ सेकंड तक दीवार के संपर्क में रहती है तो दीवार पर क्रियाकारी औसत बल होगा दीवार पर क्रियाकारी औसत बल का मान निकालना बच्चों है ना तो आप खुद देखिए यहां पे यहां क्या है जीरो पॉइंट टू फाइव सेकेंड बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है ठीक है अगर इसको बनाया जाए बच्चों यहां पे तो सवाल बहुत क्लियर है कि दीवार आपकी इधर हो जाएगी इस प्रकार से ये देखिए दीवार हमारी इस प्रकार से हो जाएगी दीवार ये देखिए दीवार इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों आपकी यहां पे इस तरह से वॉल पे बच्चों दीवार पे ऐसे आ रही है है ना ऐसे टकरा रही है और ऐसे जा रही है ठीक है है अच्छा ये तीस डिग्री तो ये कितना हो जाएगा बच्चों साठ डिग्री साठ डिग्री चलो अब अगर देखा जाए बच्चों में ठीक है बच्चों हमारा 60 डिग्री ठीक है तो v cos 60 तो, तो ये बनेगा बच्चों v cos 60 ये बनेगा v वी 60 डिग्री और ये बनेगा बच्चों v sin 60 डिग्री ठीक है देख लीजिए आप यहां भी बच्चों क्या है वी है हमारा ठीक है तो यहां भी बच्चों सिक्सटी डिग्री हो जाएगा है ना तो ये बनेगा वी कॉ सिक्स वी कॉ डिग्री और ये बनेगा बच्चों v 60 डिग्री ये देखिए आप अब हम करते क्या है बच्चों ऐसे सवालों में हम करते हैं देखो सीधी सीधी बात है ये हम जानते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी फोर्थ होता है संवेग परिवर्तन ठीक है मोमेंटम में चेंज संवेग परिवर्तन अगर आपने महसूस किया हो बच्चों एक्स दिशा में कोई परिवर्तन आया ही नहीं केवल वाई दिशा में परिवर्तन आया ठीक है डेल्टा पी निकाल लो बच्चों डेल्टा पी तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों दोनों का अंतर तो देखो पी 60 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों वो आएगा यहां कितना आ जाएगा बच्चों ये भी आएगा तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों तो देखिए डेल्टा पी निकालोगे तो बच्चों दोनों का डिफरेंस लोगे तो वी बाय टू माइनस का माइनस वी बाई टू यह आएगा बच्चों वी सॉरी है ना एम भी लगाएंगे इसमें ये तो मास आया केवल एम डेल्टा वी होता है बच्चों फॉर्मूला देखिए एम तो लगा ही दिया बच्चों तो v का माइनस वी बाई टू तो कितना बनेगा बच्चों एम वी फोर्स निकालना है बच्चों आपको फोर्स क्या होता है न्यूटन ने क्या बताया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये होता है फोर्स आपका P है आपका डेल्टा डेल्टा कितना कितना है है और दिया हुआ है प्लेस करो शाम प्लेस करो बच्चों डेल्टा पी दे रखा है बच्चों आपके पास देखो एम वी रखा है एम ये दिया आपको जीरो पॉइंट पांच और वी दिया बारह है ना और टाइम दे रखा है जीरो पॉइंट टू फाइव देखिए तो 0.5 पॉइंट पांच इंटू बारह तो क्या बनेगा जीरो पॉइंट पांच इंटू बारह कितना आपका वो है 0.25 है जीरो कर लो बच्चों दिख रहा है क्लियरली 25 से उड़ाओगे दो बार में उड़ेगा है ना और 24 आ जाएगा न्यूटन ठीक है तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आपकी 24 न्यूटन 24 न्यूटन का फोर्स यहां पे एप्लीकेबल होगा जब कोलिजन होगा बच्चों 24 न्यूटन देख लीजिए आप आंसर का है देखिए कितना इजी हमारा कॉन्सेप्ट है कितना इजी क्वेश्चन है बट एक सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा आपको मोमेंटम में चेंज अप्रोच डिफाइन करनी पड़ेगी कैसे निकालें फोर्स उसके लिए फॉर्म पता है आपको चलिए बढ़िया अगला सवाल बच्चों है ना अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हाँ अगला क्वेश्चन एम द्रव्यमान वाले ब्लॉक को थीटा कोण पर झुके हुए चिकने नक्तल पर रखा है संपूर्ण निकाय क्षेत्र गति कर रहा है ब्लॉक पृष्ठ पे ना फिसले द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया बल ठीक है

ठीक है चलिए इस पे लगेगा बच्चों नीचे की तरफ इधर लगेगा mg साइन थीटा ठीक है इधर लगेगा बच्चों mg cos थीटा यहाँ लगेगा बच्चों mg cos थीटा ठीक है पिसुडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ ma है ना और पीछे लगेगा बच्चों आपका ma cos थीटा दैट इज ma cos थीटा और यहाँ लगेगा बच्चों प्लस ma साइन थीटा ma साइन थीटा और यहां लगेगा बच्चों लगे बच्चो आपका n नॉर्मल रिएक्शन ठीक है अच्छा अब आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ और यहां ये यह सम ऐसे हो जाएगा तो आप खुद देखिए बच्चों यहां पे तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों थीटा 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 प्लस 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 क्या होगा Ma sin इस तरह से हो जाएगा थीटा ये हो जाएगा आपका एन नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों और ए की वैल्यू हम जानते हैं ये रिजीटा एन थीटा बस आ गया आंसर ठीक है तो एन की वैल्यू में बच्चों एम कॉमन ले लो एम जी ऐसे रहने दो कॉस् थीटा और यहां बनेगा बच्चों एम ए साइन थीटा तो ये बनेगा आपका एम जी है ना tan थीटा तो थीटा थीटा. तो थीटा, थीटा. मैं सॉल्व कर देता हूं, पूरा पूरा बाकी रिजल्ट पता ही होगा आपको नहीं तो कोई अपॉन साइन अपॉन टेन बनेगा साइन थीटा अपॉन तो कॉस्ट थीटा जब तो आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये दिख रहा है आपको एन की वैल्यू यहां बनेगी एम जी यहां बनेगा, बनेगा बच्चों कॉस्ट स्क्वायर साइन स्क्वायर दैट इज वन ठीक है साइन स्क्वायर थीटा है ना अपॉन कॉस्ट थीटा ये बनेगा और इसकी वैल्यू जो है आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों थीटा ये आपका आंसर है वैसे रिजल्ट बच्चे याद रखते हैं दो रिजल्ट होते हैं बच्चों इसके अंदर देखिए दो रिजल्ट होते हैं रिजल्ट इज दैट जब आपका ब्लॉक रेस्ट पर है ऑन द वेज तो जी टाइम थीटा तो हमारा होता है एक्सेलरेशन और हमारा एम जी अपॉन कॉस्ट थीटा होता है दैट इज हमारा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ने जो अप्लाई किया है एमजी अपॉन थीटा ठीक है आई थिंक क्या पूछ रहा है तो ये पूछ रहा है द्वारा पर लगाया गया सरफेस आना चाहिए बच्चों एम जी अपॉन कॉस्टिटा इसने क्या पूछा है ड नॉट द ब्लॉक है ना ड्यू टू ग्राविटी जीज बी

ठीक है ब्लॉक बी का द्रव्यमान अधिकतम कितना हो दोनों ब्लॉक गति ना करें अधिकतम बोला कितना हो यदि रस्सी का घृणी को बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रिक्शन निकालो बच्चों फ्रिक्शन निकालो यहां पे तो ये म्यू दे रखा है कितना आपको 0.2 ठीक है तो फ्रिक्शन का मान क्या आएगा बच्चों म्यू एन म्यू जीरो है एन आप जानते हैं इट इज ट्वेंटी ओनली ठीक है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों कितनी आपकी ये फोर न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी फोर न्यूटन ये मैक्सिमम है अधिकतम फ्रिक्शन है है ना तो फ्रिक्शन की वैल्यू बच्चों की आप खुद समझिए अब देखिए अगर फोर्स से ज्यादा लग गया फोर्स तो तो निकल जाएगा फोर्स फोर्स से अगर ज्यादा लग गया तो स्लिप हो जाएगा तो फोर्स से ज्यादा नहीं लगना चाहिए मतलब इसकी बी का जो मास है तो इसने क्या पूछा है इसने पूछा है कि बच्चों बी ब्लॉक का अधिकतम द्रव्यमान अधिकतम द्रव्यमान बच्चों बी ब्लॉक का होना चाहिए देखिए सीधी बात है ये फोर्स है ठीक है अच्छा तो हम जानते हैं नेट फोर्स तो हम जानते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू किसके भरा हो जाए उस वाले एम जी की फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी फोर एम जी कितना है है बच्चों आपका है ना आएगा जीरो पॉइंट और जी कितना है बच्चों टेन ठीक है तो हमारा एम का मैक्सिम वैल्यू जो होगी बच्चों होगी के जी से अधिक हो गया ठीक है हाँ. है ना तो उसके बाद वो फिसलना स्टार्ट हो जाएगा जीरो पॉइंट चार के जी कुछ भी नहीं है सिंपल सा क्वेश्चन है आसान सवाल है आराम से आप कर लेंगे बढ़िया तरीके से देख लीजिए आप इसको ठीक है ना हाँ अगला सवाल बच्चों क्या है हमारा देखिए अगला सवाल बढ़िया सवाल है ठीक है देखिए 14th क्वेश्चन ऑल इंडिया पी 2003 का सवाल है बच्चों बेहतरीन सवाल मंकी वाले सवाल जो होते हैं बहुत इजी होते हैं बहुत आसान होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं एक्चुअली मंकी ऑफ मास 20 केजी होल्डिंग अ वर्टिकल रोप द रोप विल नॉट ब्रेक अंटिल मास ऑफ 25 केजी सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट नॉट अच्छा बट क्या बोला है इसने question को पढ़ा जाए। हिंदी में और पढ़ लेते हैं एक बार ठीक है पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको बीस किलोग्राम के बंदर ने उर्द्वाधर रस्सी पकड़ रखी है।, है ना चढ़ने की कोशिश कर रहा है रस्सी तब तक नहीं टूटेगी जब तक की लटकाया हुआ भार पच्चीस से किलो से अधिक ना हो जाए मतलब सीधी बात बोलिए कि रस्सी की झेलने की क्षमता रस्सी की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या उसके झेलने की क्षमता जो है वो पच्चीस किलोग्राम की है भाई अधिकतम कितने त्वरण के साथ बंदर रस्सी पे झूल सकता है बहुत बढ़िया है सवाल बहुत ईजी बहुत ईजी सवाल है बच्चों ये देखिए रस्सी पे भैया झूलना है इसको है ना झूलने की बात कर रहा है रस्सी पे चलो ये देखो मंकी आपका ये मंकी बच्चों अब सीधी बात है मंकी चढ़ना चाहेगा ऊपर की तरफ है ना त्वरण ए से चढ़ना चाहेगा बच्चों रस्सी की जो अधिकतम तनाव है टीम एक्स जो है वो है 25 किलोग्राम इंटू जी ठीक है ना क्योंकि तो पच्चीस जी की बात कर रहा है पच्चीस इंटू जी देखिए तो कितना दो सौ पचास न्यूटन रस्सी का अधिकतम जो है भार झेलने की क्षमता है वो ढाई सौ न्यूटन की है क्योंकि हम जी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो किलोग्राम में था अच्छा तो तनाव का मान अधिकतम कितना है बच्चों ढाई सौ न्यूटन ठीक है अच्छा द्रव्यमान मंकी का कितना है बीस के जी तो यहां लगेगा बच्चों बीस के जी तो बीस जी तो लगेगा कितना दो सौ न्यूटन लगेगा ढाई सौ ऊपर दो सौ नीचे अब आप खुद समझिए नेट फोर्स इज इक्व टू एम ए तो हमारी इक्वेशन बनेगी बच्चों टी टी माइनस बराबर एम ए की वैल्यू है 250 सौ पचास की वैल्यू है 200 और एम ए की वैल्यू कितनी है 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 बच्चों वो आपकी एम कितना कितना मास इसका 20 ए अधिकतम झेलने की क्षमता यह है बच्चों आपकी तो आएगा बच्चों पचास बराबर बीस ए ठीक है ए की वैल्यू आएगी बच्चों फाइव बाई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये तो ऊपर चढ़ने की बात कर रहे हैं ये तो ऊपर चढ़ने की बात कर रहे हैं तो बीस यह आएगा ढाई टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड अधिकतम चढ़ने की जो बात है इतनी सी बात है छोटा सवाल है इजी चलो आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट सवाल सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी 2003 एक व्यक्ति इसका भार 80 किलोग्राम है ठीक है लिफ्ट के अंदर एक भार अपने मापने की मशीन के ऊपर खड़ा है ठीक है लिफ्ट जा रही है पांच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक समान त्वरण से एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है मशीन उसका भार कितना बताएगी बहुत बेहतरीन बहुत इजी क्वेश्चन केवल प्रतिक्रिया बल निकाल दो देखो बहुत बेहतरीन बहुत इजी देखो ये भैया लिफ्ट लिफ्ट में अपने आप को ही मान लो ना यार क्या फर्क पड़ता है वेइंग मशीन डब्ल्यू एम बोलते हैं है ना और आप खड़े हैं इसके ऊपर कितना भार है आपका भारी हो बच्चों अब है अस्सी के जी आपका भार एटी के जी आपका भार है चलिए ठीक है लिफ्ट जा रही है बच्चों कहा ऊपर की तरफ कितने जा रही है पांच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये देखिए प्रतिक्रिया बल का मान निकालना होता है और आपको पता होगा दो चीजें हम रटते हैं लिफ्ट ऊपर जाएगी तो एम जी प्लस एमए नीचे जाएगी तो एम जी माइनस एमए तो लिफ्ट जब ऊपर जाएगी एम जी प्लस एमए नीचे जाएगी तो एम जी माइनस एम ए फटाफट देख लीजिए क्या आंसर आएगा बच्चों बहुत बेहतरीन ठीक है तो हम जानते हैं प्रतिक्रिया बल का मान जो है वो, है, वो है, MG है होगा एम जी प्लस एम ए है ना और यही पाठ्यांक होगा यही रीडिंग होगी उसकी और एनी क्या बच्चों आपका यही रीडिंग होगा क्योंकि हम पढ़ते भी हैं इस चीज को रीडिंग जो है पाठ्यांक क्या होता है जो प्रतिक्रिया बल होगा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही तो हमारा होता है कौन सा नॉर्मल सर ये वाला सरफेस का एमजी चलो लगा दो तो इंटू तो पांच देखो है ना? तो आप देखेंगे बारह सो तो बारह सो न्यूटन झेलने की तो बारह सो न्यूटन जो है तो जो पाठ्यांक होगा बच्चों रीडिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी आपकी रीडिंग हो जाएगा बारह सो न्यूटन

बच्चों वही अभी सवाल देखा था हमने वैसा ही कुछ है देखिए बट जी का मान क्या लेंगे बच्चों यहां पे साफ साफ लिखा है 9.8 ठीक है तो देखिए वही बात सेम सेम टू बात रस्सी हमारे पास और हमारी रस्सी जो है बंधी हुई है तनाव ऊपर टी लगेगा हजार के का हमारे पास क्या है यह है नीचे लगेगा बच्चों हजार इंटू क्या होगा जी दस इस प्रकार से ऊपर जा रही है बच्चों कितने जा रही है जी जा रही है सर हमारा दस मतलब यहाँ पे दस मतलब बच्चों हेम जी होगा है ना ऊपर जा रही है बच्चों कितने से a 1 से जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप खुद देखिए इक्वेशन बनेगी t mg ma क्या बनेगी इक्वेशन t mg ma तो t की वैल्यू आएगी बच्चों mg ma जो mg कितना आएगा आपका वो आ जाएगा देखो 980 आएगा बच्चों देखो कितना आएगा 9.8 दिखे ना 10 से उधर 10000 तो ये अगर 9800 है ना देख लो आप है ना प्लस करोगे बच्चों एम ए एम कितना है बच्चों एक हजार और ए कितना है एक देखिए कितना है कि टी का मान दस हजार आठ सौ बनेगा सवाल अभी एक ऐसा पहले आ चुका है उसमें बस जी का मान दस था या वो है तो रिपीट हो चुका है सवाल मतलब कितना बेहतरीन कितना ईजी बेहतरीन मतलब कितना ईजी क्वेश्चन है आराम से फटाफट कर को सोल्व करके निकल जाओ आगे इजिली चलिए बच्चों अगला सवाल सी बी एस सी ऑल इंडिया पीएम दो हजार दो का सवाल है बच्चों समीकरण लगा के दे रखी कुछ समीकरण इक्वेशन दे रखी है देखते हैं किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु स्थिर अवस्था में है, बल दे रेखा ये, ये बल दे रेखा है कार्यरत होता है तो t बराबर तीन पर हमारा स्थिर अवस्था में है तो इस पर बल इतना दे रेखा है, है।, है बढ़िया फोर्स इतना है बच्चों का फाइंड करनी है बच्चों आपको तो थ्री सेकंड पे अब वेग फाइंड करना है तो देखो सीधी सीधी बात है टाइम के साथ रेस्पेक्ट में हमारा क्या है इस प्रकार से वैरेबल है तो वैरेबल है तो इक्वेशन पहले एक्सेलेशन निकालना पड़ेगा अब ये ये साइन क्वेश्चन पूरा काइनामेटिक्स का हो गया एक्चुअली देखो मैं कर देता हूं देखिए फोर्स की वैल्यू बच्चों कितनी है आपकी वो है थ्री टी स्क्र है ना आई कैप प्लस फोर टी जे कैप ये देखिए पहले आप है ना फोर टी जे कैप ये हमारा देखिए एक्सेलरेशन जो आएगा बच्चों क्या आएगा आपका वो आएगा एक्सेलरेशन हमारा देखिए है ना देखो एक्सेलेरेशन जो आएगा बच्चों क्या आएगा इसको एम से डिवाइड करोगे तो आएगा आएगा t2 i कैप 4/3t j कैप एक्सेलेरेशन आएगा कोई दिक्कत नहीं अब एक्सेलेरेशन आ गया बच्चों वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करते हैं इसको करते हैं इंटीग्रेट थोड़ा सा याद करिए कैसे करते हैं इंटीग्रेट इसे लिख देंगे बच्चों dv/dt ठीक है इसी इक्वल्स टू करेंगे t2 i कैप 4/3t j कैप मल्टीप्लाई कर देंगे तो v की वैल्यू क्या इंटीग्रेशन ऑफ ये बनेगा आपका है ना dv की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ यहां कैप लिमिट होगी जीरो से लेके बच्चों हमारा v तक यहां जीरो से लेके जाएगा हमारा तीन तक और यहां जाएगा जीरो से लेके जाएगा हमारा तीन तक देखिए ठीक है यहां v बनेगा बच्चों आपका v

है ना तो नाइन आई कैप बन जाएगा बच्चों आपका यहां पे यहां करोगे बच्चों लिमिट लगाओगे तो यहाँ आएगा तीन का स्क्वायर नौ नौ से तीन कटेगा तो छह और यहाँ जे कैप भी था तो जे कैप ये आपके आंसर हो गए कैप प्लस जे कैप तो नाइन आई कैप प्लस सिक्स जे कैप कोई टू वाला मिस कर दिया क्या हमने टी क्यूब बाय थ्री है ना सॉरी सिक्स टी स्क्वायर था बच्चों यहाँ पे यहाँ पे सिक्स था बच्चों थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे सिक्स था तो यहाँ सिक्स है तो यहाँ टू हो जाएगा ठीक है तो यहां टू हो जाएगा तो यहां भी एक टू आएगा आपका तो यहां भी एक टू आएगा तो यहां आपका एटीन हो जाएगा है ना बाकी पूरा सही है फोर पे तो वहां था जे जे कैप 18 प्लस 6 जे कैप कैप आएगा बच्चों आई ठीक है ना क्योंकि यहां पे बच्चों था वहां थ्री लिख दिया था हमने बाकी कॉन्सेप्ट वही है एक बार ले जाना एक्सोलेशन निकालना है कर देना इंटीग्रेट पहुंच जाएंगे आप यहां पर एटीन प्लस सिक्स जे कैप तो कोई दिक्कत नहीं अगला सवाल बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई पीएमटी 2001 का सवाल है बेहतरीन एक खिलाड़ी 150 ग्राम की एक गेंद को 0.1 मीटर पर सेकंड से पकड़ता है है ना नहीं पर सेकंड में पकड़ता है गेंद का वेग 20 मीटर पर सेकंड है तो उसका बल अनुभव करना कितना होगा ठीक है इसने बोला एक प्लेयर टेक्स 0.1 इन कैचिंग द बॉल ऑफ मास इतना दे रखा है ठीक है तो वन ग्राम की गेंद को यह क्या कर रहा है कैच कर रहा है 150 ग्राम की गेंद को बच्चों कैच कर रहा है अब कैसे कर रहा है कुछ बताया नहीं है कैसे कर रहा है कुछ बताया नहीं है तो संवेग में जो परिवर्तन आएगा अपॉन समय को हम अनुपात ले लेंगे उससे फोर्स आ जाएगा बच्चों ठीक है अब कैसे किया है नो आइडिया एट ऑल ठीक है तो डेल्टा पी की अगर बात करें बच्चों अंतिम अवस्था में गेंद रुक जाएगी अंतिम अवस्था में गेंद रुक जाएगी चलिए तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बच्चों आपका होता है एम डेल्टा वी ये आप जानते हैं एम डेल्टा वी ठीक है अच्छा आपको देखिए एम का मान कितना है बच्चों गेंद का दे रखा है डेढ़ सौ डेढ़ सौ ग्राम तो यह एक सौ पचास बटा हजार ठीक है डेल्टा वी की बात करें बच्चों तो 20 से जीरो हो गया, तो बीस माइनस जीरो की बात अभी नहीं करेंगे तो डेल्टा वी की, डेल्टा पी का जो मान आएगा कितना आ जाएगा बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए इसको तो ये आएगा आपका कैंसिल कैंसिल हो हो जाएगा है ना को तो तीस तीन आ जाएगा बच्चों है ना तीन आ गया अच्छा करना क्या है करना है बच्चों हमें बल निकालना है तो बल क्या है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये तो हम जानते हैं न्यूटन का बेसिक लॉ है है ना डेल्टा पी कितना आ गया बच्चों तीन और डेल्टा टी कितना है जीरो पॉइंट वन तो 30 न्यूटन का बल जो है उसको लगेगा हाथों पर फोर्स लगेगा 30 न्यूटन का बल जीरो सीबीएससी ऑल इंडिया पीएमटी बच्चों अगला सवाल ठीक है देखिए एक किलोग्राम का हमारे पास क्या द्रव्यमान एक पिंड 100 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है ठीक है फेंक दिया ऊपर की ओर ठीक है चलिए पांच सेकंड, पश्चात यह विस्फोट होकर दो भागों में बढ़ता है बढ़िया यदि पहला भाग 400 ग्राम का 25 मीटर के वेग से नीचे की ओर गतिशील होता है दूसरा भाग का वेग बहुत बढ़िया सवाल है देखिए पहले 100 मीटर पर सेकंड से हमने फेंक दिया उसको ठीक है पहले 100 मीटर हमने एक किलोग्राम का हमारे पास है कितने से फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड यह समझ लीजिए पहले आप अब क्या बोला है पांच सेकेंड बाद टूट जाता है भैया है ना पांच सेकंड में कहा पहुंचेगा ये समझिए तो पांच सेकंड पश्चात उसका वेग निकालते हैं ठीक है तो v बराबर क्या बनेगा u u है हमारा सौ माइनस जी दस है और पांच तो v कितना हो हो जाएगा जाएगा बच्चों करोगे तो पचास मीटर पर सेकंड देख लीजिए आप पांच सेकेंड बाद जो है वो यहां कहीं पहुंचेगा रास्ते में उसका वेग कितना हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका पचास ठीक है अब देखना ये हो गया पचास मीटर पर सेकेंड उसका वेग है ब्लॉक का या हमारे पिंड का अब क्या बोला आगे बच्चों आगे पढ़िए आगे बोला है हाँ यदि पहला भाग 400 ग्राम का है और क्या बोला गया 25 मीटर पर सेकंड के वेग से नीचे की ओर गति करता है टूट गया बच्चों यहीं पे यहीं पे टूट गया ठीक है और इसका पहला भाग जो है वो नीचे की तरफ गति करने लग गया कितना 400 ग्राम का पहली बात तो ठीक है और कितने से 25 से कितने से बोला बच्चों आपको पच्चीस से पच्चीस से नीचे की ओर गति करना है तो देखिए पच्चीस से गति कर रहा है पच्चीस मीटर पर सेकेंड तो दूसरा जो भाग होगा वो बच्चों ऊपर जाएगा सीधी बात है छह ग्राम का

50 into 1 ये देखिए 50 into 1 50 तो उसका द्रव्यमान नहीं सॉरी वेग हमारा द्रव्यमान कितना है 1 है into 50 mv बाद में वो जा रहा 600 वाला ऊपर तो 0.6 v 0.6 क्यों किया बच्चों क्योंकि आपको बच्चो? पता है 600 ग्राम है ये नीचे जाएगा बच्चों तो नीचे माइनस हो जाएगा बच्चों 25 0.4 25 0.4 ये देखिए आप तो यहां से बनेगा बच्चों 50 जीरो पॉइंट छह इंटू वी और ये पच्चीस इंटू चार ये बनता है बच्चों पच्चीस और चार होता है सौ दस 10 बन जाएगा बच्चों आपका है ना उधर ले जाइए तो जीरो पॉइंट सॉरी यहां पे हमने वी भूल गए हम लोग तो बनेगा बच्चों वी की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी सिक्सटी अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स बनेगी तो ये बनेगा आपका कितना है यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए ये बनेगा हटाएंगे तो ये दस 10, सौ बन जाएगा सौ मीटर पर सेकेंड के वेग से बच्चों ये ऊपर जाएगा क्लियरली आंसर दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड वो भी ऊपर की तरफ डाउनवर्ड नहीं ऊपर की तरफ है ना इस प्रकार 100 मीटर पर सेकेंड हमारा ऊपर की तरफ जाएगा देख लीजिए बच्चों आप इसको इस प्रकार से चलिए बच्चों आखिरी सवाल हमारा आखिरी सवाल बच्चों कंप्लीट करते हैं इसको एंड बहुत इजी इजी अच्छे क्वेश्चन थे इसके देखे होंगे आपने चलिए फटाफट देखिए इसको करते हैं पीएमडी क्वेश्चन बच्चों 2000 का अभी से करीब करीब दो बीस दो, साल पहले की बात है ठीक है पिंड दे रखा है पांच ग्राम का दे रखा है बच्चों हमारे पास पांच ग्राम दूसरा दूसरे दस ग्राम दे रखा है है ना अब ग्राम नहीं सर बच्चों के है बच्चों इंग्लिश वाला पढ़िए इंग्लिश वाला पढ़िए पांच के जी दस के जी मतलब पांच किलोग्राम का एम वन है दस का एम टू है, है ना कनेक्टेड एट द एंड ऑफ दिंग इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिस थ्रू द द पुली शोन दिक्कशन ऑफ मास क्या बात है बहुत सवाल बहुत ईजी क्वेश्चन आई थिंक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है

मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर दिख गया होगा आपको टेन बाई थ्री बोलिए जी बाय थ्री बोलिए तो एक्सेलेशन का आंसर आ गया जी बाय थ्री है ना जी बाई थ्री तो, तो बच्चों आपका आ गया एक्सेलेशन की वैल्यू बट एक और तरीका होता है याद करिए ये चलाएगा बच्चों कितने चलाएगा सौ से या टेन जी से चलाएगा ये रोकेगा बच्चों कितने चले रोकेगा फाइव जी से रोकेगा बच्चों ठीक है अगर एक्सेलेशन निकालना है तो क्या होता है नेट फोर्स तो टेन जी माइनस फाइव जी अपॉन टोटल मास वो टोटल मास कितना है पंद्रह तो इससे भी जी बाय थ्री आएगा आंसर देख लीजिए मतलब जो मेथड आपको अच्छा लगता है जो आपने पढ़ाया उससे करिए है, बट है बहुत इजी क्वेश्चन ये बहुत क्लियर है इस प्रकार से सारे बच्चे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं है ना जितने क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है ना कुछ बहुत ईजी थे कुछ अच्छे भी थे है ना तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये है ये मैं बना के लाया न्यू एक्चुअली मेरे क्वेश्चन नहीं है जो नीट ने पूछे हैं जो ऑल इंडिया पीएमटी ने पूछे हैं जो कहीं ना कहीं मेडिकल अथॉरिटीज ने पूछे हैं वही सारे क्वेश्चन है बच्चों तो ये सारे क्वेश्चन हमने जस्टिस कर लिए बच्चों है ना तो आप लोगों के आराम से क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए होंगे बहुत बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन है ठीक है बच्चों तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों अगला सेशन रहेगा बच्चों हमारा वर्क पावर एनर्जी का वर्क पावर एनर्जी में और बेहतरीन सवाल और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे जो भी जो क्वेश्चन आते हैं नीट में वो लेके आएंगे बच्चों आपके सामने और मजा आने वाला बच्चों आपको ठीक है बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में ओके बच्चों बाय बच्चों